आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। ये है कानपुर का चकेरी पार्क, जहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पार्क के चारों ओर गंदगी का अंबार है। कानपुर चकेरी पार्क का कुछ ऐसा नजारा हमेशा ही नजर आता है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उन्हें शुद्ध हवा नहीं बल्कि बदबू ही बदबू मिलती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग तो आते हैं, लेकिन गंदगी का नजारा देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। पार्कों में कुछ शरारती तत्वों ने पार्क को शराब का अड्डा बना रखा है। जी हाँ, यहाँ पर खुलेआम लोग शराब पीते हैं। 26 मई को जहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर नगर के चकेरी में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर में गंदगी और बदबू का अंबार लगा है। पार्क में कूड़ा पड़ा होता है, बारिश होती है और उस दौरान कूड़ा सड़ने लगता है, जिससे उठती बदबू लोगों का जीना मुहाल कर रही है। टहलना और व्यायाम करना तो बहुत दूर की बात है, सफाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। गंदगी को देखकर आसपास के लोगों ने पार्क में मॉर्निंग वॉक करना ही छोड़ दिया है। पार्क की सफाई को लेकर अधिकारी जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहे। गंदगी से पार्क पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है और बेहद ही बदहाल है। कई बार शिकायत के बाद भी आला अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगी है। कानपुर से विनीत साहू की रिपोर्ट। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय सिंह। ये किस जगह पे आप बैठे हुए हैं? पार्क चकेरी मोड़ के पास। कितने दिनों से इस पार्क में आ रहे हैं? हम 2-3 सालों से बराबर आ रहे हैं। इस पार्क में गंदगी यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? गंदगी के लिए शाम को कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, दारू बियर वाल लेके यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं, पीते खाते हैं। और पार्क में जो एक स्कूटी रहता है, उसको कुछ पैसा दे के वो पूरा आनंद उठाते हैं। कुल मिला के आपका कहने का मतलब है, जो पार्क में सिक्योरिटी गार्ड रहता है और उसकी कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता है? जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे कानपुर के अधिकारियों से? हम तो ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो शाम को इधर उधर के लोग आते हैं, बैठते हैं और इधर आते हैं, तो उनके लिए कुछ पाबंदी लगे, वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है टहलने आता है, स्वास्थ्य बनाने के लिए आता है, ना कि बिगाड़ने के लिए। इस गंदगी से आपको क्या लगता है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा या? गंदगी से ये लगता है कि यहाँ पे स्वास्थ्य में सुधार तो आना ही नहीं है, और गंदगी फैल रही है जिससे कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनती है। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।